वालों के लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है बिकॉज मेरे बचपन में मुझे याद है कराची शहर में डालमिया के मकाम पर एक ड्राइविंग सिनेमा होता था जहाँ पर लोग अपने घर वालों के साथ जाते थे, पूरा खानदान सोशल गैदरिंग होती थी, खाना भी खाते थे, मूवी भी इंजॉय करते थे। तो जो कराची की रौनकें बहाल करने का सिलसिला था वो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि जारी और सारी है, और ये इनिशिएटिव उसी हिस्से की कड़ी है कि कराची की जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब कंट्रोल हो गई है, कराची की रोशनियों को बहाल किया जा रहा है, तो उस तरीके से कराची वालों के लिए जो इंटरटेनमेंट की ज़रूरत है उसको हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये जगह बड़ी खूबसूरत जगह इसलिए है कि समंदर भी है आपके पास, एक अर्बन फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, और एक बड़ा ओपन एरिया है जहाँ पर लोग आए अपनी गाड़ियों में बैठे मूवी को एंजॉय करें, और बड़ा अच्छा खाने की भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो एक क्वालिटी एंटरटेनमेंट कराची वालों को दी जा रही है, और पॉइंट ऑफ व्यू यही है बेसिकली कि हमारी जो कराची वालों की ओपन स्पेसेस थी, अर्बन स्पेसेस थी, उसको एक बार फिर सिक्योर किया जाए, उसको रिट्रीव किया जाए, और कराची वाले उसको एंजॉय कर सके अपनी फैमिलियों के साथ, और जो हल्ला गुल्ला जो कराची की रौनकें थी वो इंशाल्लाह एक बार फिर इस शहर में आनी शुरू होगी।